भाई हमने रोश मंगवाया इनका, वो भी आप करा हमारे साथ पैसे पाकिट में। नहीं नहीं कोई मसला, खाएं जा कर कह देना कि खा लेना जाके, अरे प्यार नो कह के गया। ये इनका वर्क स्टेशन है जी, यहाँ पे देख लें हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च कुटी हुई मोटी, नमक और ये टमाटर। अच्छा ये क्या? ये शिकारपुरी चटनी है हरी मिर्चों की, बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब भी सखर जाता हूँ ना, इसके 8-10 डब्बे लाता हूँ, रास्ते में बिक जाते हैं। और साकी बेचारा बुझ के बैठ गया कि नहीं यार आज भी मुझे लगता है वो हारेगा इस जगह। मैं बुझ के नहीं बैठा। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड, लेकिन आखिरी एपिसोड। आज हम अपने प्यारे भाई को बड़ा करेंगे। बड़ा दुख हो रहा, बढ़ता जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, तुम ही जा रहे हो मेरे चैनल तो, और इंशाल्लाह मुझे लगता है ये जाएंगे तो मेरे चैनल में थोड़ी बरकत भी आएगी, कोई नौसत भी आ गई है। अच्छा मेरे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तुम्हारे भी नहीं आ रहे। तो आज हम लाहौर की वो चीज़ करने जा रहे हैं जो मेरी फेवरेट है। अच्छा अभी तक वही कर रहे हैं जो आपकी फेवरेट है? नहीं नहीं नहीं, ये फूड आइटम वो है, ये आइटम आज हमने वो चूज़ किया है जो आप मुझे कहीं से भी खिला देंगे मैं खा लूँगा। अच्छा हम करने जा रहे हैं शनवारी कढ़ाई। नहीं नहीं कर लो। अच्छा, की है, की मैं अपनी फेवरेट कढ़ाई एज यूजुअल इलियास की लेके आया हूँ। इलियास की जो कढ़ाई है भाईजान, वो एक लाहौरी ब्लेंड है। आप इसको लाहौर के साथ मंसूब रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इतने समझेंगे ना कि शनवारी कढ़ाई एबटाबाद की और लाहौर की हम करें कंपेयर, तो ये गलत बात है। अच्छा मैं अगर शनवारी आज शनवारी का ना, तो मैं शनवारी कंपेयर करने लगा था जो मैंने बेहतरीन शनवारी खाई हुई है ना, फर्स्ट वो खाई हुई इस्लामाबाद के अंदर। हाँ पुराना शनवारी होटल है, मैंने देखा आपका वो एपिसोड, वो डिलीट कर देना जाके याद से। अच्छा लो जी मैं आपको देने लगा हूँ फजल शनवारी जो यहाँ पे पास ही है। दे ना हमें, हमने मैं खिलाऊंगा फजल का, मैं ही करना अल्लाह का, उन बड़ा फजल है। तो वही हाल हो घर पाए घर फजल है नहीं बाहर गया सौदा लैन। तो फजल की शनवारी कढ़ाई जो है ना वो आपको मैं चैलेंज के तौर पर दे रहा हूँ। मैंने यकीन है फिर तुम जीतना सीरीज वन साइड। आपने रश देखा इतना, ये रश थे आप नारा लगाए जहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ ना। नहीं यार लिहाज का नाम तो चलता भाई, ये तो कन्फर्म है। इस दुकान की जो वाइब है यहाँ पे जो रश है ना, ओ नहीं अभी तो नहीं पड़ा लेकिन अंदर होगा काफी, बाहर तो खाली पड़ा है। जड़ियाँ कढ़ाइयाँ लगी ने लोगों की, लोगों का रश नहीं कढ़ाइयाँ रश है, शादी की रोटी नहीं पका रहे यहाँ पे, लोग खाना खाने आए हैं। इनकी कटिंग का प्रोसेस भी देखा, शादी से याद आया, शादी कैसी चल रही है? शादी अलहमदिल्ला सीजन आ गया, आगे शादी के खाने पर भी एक व्लॉग बनाएंगे, आपको भी किसी अच्छे से खाने में बुलाएंगे शादी का खाना। लेकिन वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं ये देख। सच्ची बताऊँ सुबह मैंने एक नान खाया था, मैं दूसरा खाने लगा था तो मुझे याद आया कि जुम्मे का टाइम हो रहा है। अच्छा मैं अद्धा नान छाड़ के मैं चाय पी ली थी और जुम्मा पढ़ने चला गया था, उसके बाद मेरी खाने की हिम्मत नहीं, मुझे भूख बहुत लगी। मैं दुख की इस घड़ी में आपके साथ हूँ, ठीक है? दुख की घड़ी नहीं भूख की घड़ी है भाई। भूख की घड़ी में आपके, भूख की घड़ी मेरे साथ रहे और खाना खिलाई चल रही है। यार मुकाबला तो कढ़ाई का है लेकिन यार देखिए चांपे चेक करो यार, दुम्बे की चांपे, ये मुझे तो वो याद आ गया जो हैदराबाद मैंने खाया था। इलियास कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही सादा है। गोश्त को लहसुन वाले पानी में हल्का सा उबालकर घी में फ्राई किया जाता है। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया जाता है। थोड़ी देर बाद इसमें टमाटर डालकर पकने के लिए रख दिया जाता है। और आखिर में इसमें कुटी काली मिर्चें डालकर भून लिया जाता है। बाकी यार आज वीकेंड है और अभी हम जल्दी आए हैं कि हमारा जो है ना वो ज़्यादा रश ना मिले, लेकिन 7 बजे यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है और साकी बेचारा बुझ के बैठ गया कि नहीं यार आज भी मुझे लगता है वो हारेगा इस जगह। मैं बुझ के नहीं बैठा। अभी हमारी आधा किलो कढ़ाई है भाई, साथ एक ही रोटी लेंगे वो लंबी, इसको क्या कहते हैं
रेगिस्तानी रोटी नहीं, नहीं कंधारी रोटी कंधारी रोटी सॉरी कंधारी रोटी है, एक ही रोटी है और आपको साथ एक ही बोटी मिलेगी, साथ में आपको मसाला चर्बी भी मिलेगी ना। मैं सलामी पूरी दे के जाऊँगा। ठीक हो गया, एक ही बोटी आपको। वो इलामा इकबाल को डॉक्टर ने मना कर दिया ना कि मैंगो नहीं खा सकते, तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक मैंगो की इजाज़त ली, तो एक ही मैंगो उन्होंने आधा किलो का पकड़ लिया। तो आप एक ही बोटी आधा किलो ली फाड़ लेना कि हाँ यार है मेरी है। बिस्मिल्लाह करेंगे भाई। मैं आपको बता रहा था कि जो इलियास की कढ़ाई है ना, लोग लाहौर के बाहर से आके कहते हैं कि यार वो क्यों इतनी आप खाते हैं। देखिए हर रीजन का एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। आप लाहौरी टेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ये प्योर फ्यूजन है लाहौरी टेस्ट का। आप इसको शनवारी समझ के ये ना समझें कि इसमें मसाला नहीं होगा इसमें, और चर्बी नो डाउट इसमें है। हम अपनी जो कढ़ाइयाँ खाते हैं उसमें उस तरह से चर्बी नहीं होती, तो शनवारी कढ़ाई का भी टच है। वैसे तो इनकी सलमानी कढ़ाई भी बड़ी अच्छी है। हाँ पता नहीं, खैर जी मैं ये कुछ बोलने से पहले मैं खुद भी चेक कर लूँ। अच्छा ये देखिए, इसमें हरी मिर्च, टमाटर, धनिया, एक रॉ मसाला इसमें आ रहा है जो मैं खाऊंगा। यार एक कढ़ाई से ज़्यादा ना मतलब सालन वाली फील है इसके, जो इसका जो मसाला बना हुआ है ग्रेवी है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें सालन वाली फील ज़्यादा है, कढ़ाई वाली फील कम है इसके अंदर। कढ़ाई तो डेगी पई है, फील की गल कर रहा मैं, ओरिजिनल की गल थोड़ी कर रहा हूं। मर्जी करें ज़्यादा फील ना करें कि जो कढ़ाई है ना शनवारी, इसका गोश्त बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं होता, इसको पूरा पूरा पकाया जाता है। जन बोलना भी है। ओए होए 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 बहुत आला, बहुत आला, वेरी गुड, जबरदस्त। ये हम पकड़ेंगे बोटी, साथ में लगाएंगे मसाला, बहुत आला। मैं नीचे से जाके लाऊंगा। अब देखें इसमें हरी मिर्चें कितनी आ गई हैं, वो कुछ बहुत ही आ गई हैं। इसके अंदर मैंने एक बोटी छुपाई हुई है। इसमें भी आपने बेसमेंट बनाया? हाँ जी यार, बस एक चीज़ ना, वैसे तो ओवरऑल ना कढ़ाई बहुत कमाल की यार, गोश्त का कमाल, गोश्त का लेवल ये है कि गोश्त ना बहुत ज़्यादा चुई नहीं है, लेकिन आपको चबाने का पूरा टाइम मिलता है। मुंह में डाल के घुलने वाला कोई सीन नहीं है, आप उसको मुंह में डालें और आपको पूरा चबाने के लिए एफर्ट भी करनी पड़ेगी, और जैसे आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, आप उसको चबाएंगे तो उसमें जूसेस बाहर निकलेंगे, वो आपको पूरा फ्लेवर देंगे। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, ज़बरदस्त। एक बार ऑप्टिमम बाइट हो जाए, ये ऑलरेडी ऑप्टिमम है, इसकी क्या ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे यार, चेक करें। अगर आप कहते हैं तो पंगे कर लेते हैं जी जी प्लीज़, वो ज़रा ना वैल्यू ऐड हो जाती है कस्टमर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कढ़ाई हमने टेढ़ी की हुई है, वरना मैं ऐसे होना पड़ रहा है। फेसबुक वाले यूट्यूबर चल रहे नहीं, अच्छा था, अच्छा था ये फेसबुक वाले यूट्यूबर, वाह अच्छी टर्म है यार। ये बोटी चेक करो यार, इधर पीजिएगा दरमियान में, ओके। इसके ऊपर आप कुछ जूस डालो, खैर खैर जी जी ठीक है। देखें भाई हेल्प कर रहा है। ओए होए होए साद, मैं लीमू नहीं खाना, मैं तो इतना ही खाता हूँ। अच्छा ऊपर वो भी आ गया, बीज भी आ गया ऊपर, तोड़ के खानी थी मैं भाई, मैं चेक करा रही थी उधर फ्रेम चेक करा रहे थे। वाह वाह वाह, अच्छा मुझे गोश्त की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ा अच्छा गोश्त दिया, बहुत मज़े का गोश्त है, ऐसे लग रहा मैं चिकन का खा, मेरा मतलब शुगर पिज़्ज़ा नहीं कहता। अच्छा ये मैं आप इसकी सख्ती के बारे में बताएं, जो शनवारी कढ़ाई होती है ना उसका गोश्त बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं रखा जाता, उस कढ़ाई का स्टाइल है ऐसे ही है। और ये टमाटर काम करो जी, लीमू तो आपने डाल दिया जी, इतने जरा प्याज रखो, हाँ ये आएगा प्याज, लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ इलियास कढ़ाई ट्रकड़ा। यस टमाटर रहने दे, आप दही थोड़ा सा, ओह बस बोलते ना कुछ रह गया, बिस्मिल्लाह। वो क्या है, गरम मसाला जी, वो ना देगा बस करो। ओके भुना है मज़ा। अच्छा मुझे भी बना के दें फिर। नहीं 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 एक मिनट, मैं समझ रहा था कि ऑप्टिमम है, नहीं भाई मैक्सिमम है इसके, सॉरी प्लैटिनम है, प्लैटिनम है, ओके। इसके ऊपर रायता और सलाद बहुत आ रहा है यार, मैं बना लूँ इजाज़त है, इजाज़त है तुझे ना भी देने में, बना लेनी सी। ये देखें ये बहुत बड़ी बोटी है, इसको हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, इजाज़त नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसमें लेके आऊँगा सारा, नीचे से गोता लगाऊंगा। इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है, मैं फिर भी खानी है, मैं चेक कर रहे थे बाकी खाते नहीं।
नहीं मैं इतनी इज्जत नहीं करता आपकी। उसका कैमरा पे हो सर ये देखिए। अब इसमें चर्बी, ये जो सारा ना ये घी नहीं है, इसमें चर्बी की हमने 3-4 बोटियाँ डलवाई हुई हैं। इसके ऊपर आप कुछ अनायत फरमा दें मुझे। मैं डर रहता छोड़ देना था थोड़ा सा एक साइड अपनी वाली छोटे साइड पे, एक साइड पे एलो पड़ो सारा ही पड़ो। ये अब हमने इसमें प्याज भी, अपना हाथ भी खा जाए, अपना हाथ भी साथ ना मैं कहीं खा जाऊँ। साहब भाई हमने रोश मंगवाया इनका, वो भी आप तरह हमारे साथ नहीं नहीं कोई मसला खाएँ जा कर कह देना जी खा लेने जाके अरे प्यालों कह के गया बटर तुम बाई दे लगा बहुत कमाल दी है। ओह मुझे देने लगे? नहीं नहीं मैं खान लगा ट्रेड शॉट दे रहा। वाह वाह वाह, ये चर्बी इसमें मिक्स हुई हुई है, ऑयल भी है लेकिन चर्बी की वजह से ये बढ़ जाता है। हमने 3-4 बोटियाँ चर्बी की भी डलवाई थी इसमें। अच्छा जी, जो साकिब भाई मुझे आइटम खिलाने जा रहे हैं आज, वो यहाँ पे बिल्कुल सामने है, ये सामने है। और मुझे खुशी उस दिन ज़्यादा होती है जिस दिन खाने की चीज़ें ज़्यादा पास पास हों, ज़्यादा चलना ना पड़े। एक ही दफ़ा पेट निकल जाए नहीं वो फिर कैलोरीज बर्न होती है। कितने खा रहे? अच्छा अभी हमें एक बंदा मिला था, वो कहता यार इतना खा के हजम कैसे करते हैं? तो मैं कहा यार साकिब भाई बातें ऐसी करते हैं मेरी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है, खून जला जला के। तो हम लोग तकरीबन 1.5 मिनट का सफ़र करके पहुँच गए हैं मेरा ख्याल है कुछ 30-30 कदम हमने लिए हैं, है ना। अच्छा जी भाईजान यहाँ पे अब क्या सीन है? सीन भाई यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे जाकर ना कढ़ाई ट्राई करेंगे। कढ़ाई खाएंगे हम, वही जो वहाँ खा गए हैं। अच्छा मैं स्पेशल खाऊँ फिर। ये इनका वर्क स्टेशन है जी, यहाँ पे देख लें हरी मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च कुटी हुई मोटी, नमक और ये टमाटर। और ये वो आदमी जो ये सारा निज़ाम कर रहा है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई बहुत बढ़िया है। ये यहाँ पे गोश्त है जी, आप अपनी मर्जी का गोश्त कटवाएं यहाँ पे और तसल्ली से बनवाएं, ठीक है भाईजान। ये साढ़े उस्ताद जी ने हमारा चला गया ऑर्डर भाईजान चला गया। आज मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। एक बात मैं बता दूँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये है कि ये जो पानी डालते हैं ना, मैं ऐसे बड़ा खिलाफ हूँ। शनवारी बनानी तो टमाटर डाल दो, शनवारी नहीं बनानी तो टमाटर निकाल के ऐसे बना दो, सुलेमानी बन जाएगी। फजल शनवारी की शनवारी कढ़ाई बनाने की रेसिपी एज इट इज़ इलियास कढ़ाई की रेसिपी जैसी थी, मतलब आज का मुकाबला बिल्कुल मेरिट पर हो रहा है। अच्छा वो ग्रेनेड जो आप बता रहे हैं ग्रेनेड, वो तो उसके ऊपर आप चर्बी लपेटते हैं? ये लेग पीस होता है चिकन का, इसके ऊपर हम चर्बी लपेटते हैं, दुम्बे का चर्बी होता है, दुम्बे की चर्बी होती है। ये तो बड़ा कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है दुम्बा और चिकन मिक्स हो जाता है। तो खाली अगर चिकन कढ़ाई वैसी लेना चाहे आपसे चर्बी ना चढ़वाएं तो फिर नहीं देते, उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो ये चिकन ग्रेनेड बना, इसके ऊपर सैंपल ना उन्होंने चर्बी लपेटी हुई है, मैं अगर खोल कर बताऊँ तो उतर भी जाएगी। ये चर्बी लपेटी हुई है सैंपल, एक लेम बाइट इसकी कैसे नरम हुई यार। लेम अदर इसके बाजी भाई ना, एपिसोड चिकन कढ़ाई दा है और मटन कढ़ाई दा है, मैनु मजा आ रहा था। लो जी इसको ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। हड्डो कढ़ाई अल्लाह की कसम, ओ हो यार अंदर से चरगे वाली मुर्गी निकली है, जैसे मुर्गी को डीप फ्राई किया था चरगे में। हां चरगे में बनी हुई है, बनी कोयले यार, कोयले में बनी है। ये जो ऊपर चर्बी लगी हुई है ना यार, अरे यार बहुत आला बहुत आला माशाल्लाह। अच्छा ये क्या? ये शिकारपुरी चटनी है हरी मिर्चों की, बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब भी सखर जाता हूँ ना, इसके 8-10 डब्बे लाता हूँ, रास्ते में बिक जाते हैं।
खट्टी चटनी अचारी चटनी यार इसमें मसाला अचार का डाला है। बाकी चिकन ग्रेनेड है आपको बम का मसाला समझ रहे थे। अच्छा ये वैसे आज के एपिसोड का एड ऑन है, खाने तो नकड़ा ही है, छः थी अभी खा गया मैं और मेरा पता भी नहीं चल रहा मजे हुआ पता मैंने लग रहा तुम चार खा गए पहली बड़ी मैं पहली बड़ी है अपनी देखो मेरी देखो मैं इसका भी शॉट ले सकता हूँ आप उसका ले सकते हैं नहीं ले सकते मैं इधर करूँगा पीछे से दिखाऊंगा नहीं। अच्छा ये देखिए मेरा एक जरा इसके साथ भी होगा वो ये भी क्या कट्ठे जाएंगे कट्ठे नहीं कट्ठे जगह नहीं है छोटा सा तालाब है इसके बाद ये है चीज़ असल लेकिन हरी चटनी क्या बात है ओहो हो हरी चटनी ने बैठे बैठे सिंध में पहुँचा दिया और इसने बैठे बैठे के पी के में पहुँचा दिया जो टमाटर की चटनी है ताजी हाँ ये के पी के की खूबसूरती है यार लेकिन वापस लाहौर आए कढ़ाई बन गई होगी वो भी कड़ा ठंडी ना हो जाए हमारे आने तक के पी के चले गए आप इतनी दूर चलो चलो गड्डी कटो। ये है फजल चिनवारी जी आप ट्राई करें पहले फजल चम्मच चम्मच से ट्राई करेंगे आप नहीं मैं पहले चेक करूँ ना इसमें है क्या। अच्छा इन्होंने इसमें मेरा ख्याल है धड़ा मिर्च डाली हुई है नज़र तो कोई नहीं है धड़ा मिर्च नहीं डाली हुई ये क्या टमाटर है भाई ओके ओके वाह 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 वाह। अच्छा जी इसमें मसाला बहुत ज़्यादा है जो कि एक अच्छी बात है मेरी जैसों के लिए टमाटर टमाटर मुझे मसाला बहुत अच्छा लगता है और चेक करें कि जैसी करनी वैसी भरनी मुझे भी वो बोटी मिल गई है यार पहले खाई थी। यस हम चेक कर लेते हैं इसके साथ सारा मसाला लगा हुआ है मुझे लग रहा है ये इसको ज़्यादा पसंद आई है ये का गोश्त ज़्यादा नरम है और ज़्यादा मज़े का है मुझे लग रहा है लग गई यार ये देखो हाय 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 यार क्या कमाल चीज़ है यार ये ज़बरदस्त इसको ना डिप करते हैं मसाले के अंदर पहली बाइट लेते हैं इसकी बजाय इसके टाइम ज़्यादा करें थोड़ी सी यहाँ से रोगन भी लगा लेते हैं इसको ये वाह बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह इसकी इसमें मिर्चें थोड़ी कम है उसकी मिर्चें थोड़ी तेज़ थी पहली बात तो ये समझ लग गई उसके बाद इसका गोश्त ज़्यादा मैरिनेट हुआ है ज़्यादा नरम है टेंडर है उसकी बोटी थोड़ी सख्त थी ऐसे ही ठीक है गर्म मसाला ये हमने ली बोटी हमने यहाँ से लेंगे मसाला और फ़ोन करके मैं आ रहा हूँ चर्बी वाली पिज़्ज़ा लेने ये देखिए अब इसमें चर्बी का भी आ गया ऐड और सारे मसाले मैंने तह से तह में डूब के निकाल लिए ये डिटेल होती है भाई यार ये तो टक्कर की भाई पूरी टक्कर की है भाई ये लेकिन इसमें ये बात है कि इसमें टमाटर ने बहुत ज़्यादा डाले हुए थोड़ा मीठा मीठे की तरफ चला गया थोड़ा मीठा टच हो गया क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा डाले हुए उन्होंने और ग्रेवी बहुत ज़्यादा है ग्रेवी से ज़्यादा हो गई हाँ ग्रेवी से ज़्यादा हो गई है अच्छा ये सारे टमाटर हैं हाँ जी मैंने बोटी समझ रहा था अच्छा मैं किन्नू फाड़ लिया फूड वास्ते यार यही लोग मैनू कह रहे हैं कोई बात नहीं आप हमें बर्दाश्त कर लेंगे हमारा आखिरी एपिसोड है लेकिन जल्द इंशाल्लाह साकिब भाई मुझे नज़र आएंगे मेरे मोहल्लेदार हैं ना अक्सर नज़र आते हैं पानी लेके आ रहे हैं गैस का सिलेंडर भरा के ले आ रहे हैं अच्छा ये बात नहीं करनी गैस का सिलेंडर ओके सॉरी अच्छा इसमें दो चीज़ें जो मुझे नज़र आई है एक तो इसका गोश्त बहुत मज़ेदार है गोश्त इसका ज़्यादा नरम है ज़्यादा टेंडर है ज़्यादा टाइम लगा के पका हुआ गोश्त है ये बात कन्फर्म है दूसरी बात यह है कि इसके अंदर फ्लेवर थोड़ा सा ना मतलब उसकी नस्बत इसमें ग्रेवी ज़्यादा है मेरे ख्याल से जो है ना ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी उसको मैं लाजमी कंसिडर करता हूँ क्योंकि आधा किलो में आधा किलो में ना आधा किलो गोश्त की कढ़ाई में इन्होंने तीन बंदों का खाना बना दिया नहीं मैं तो केला भी खा जाऊँ जो भूख लगी हो छोड़ें बंदों की बात हो रही है बट की बात सच्ची बात कर रहा है और जो मैंने एपिसोड के स्टार्ट में बात की थी कि इलियास ने एक लाहौरी ब्लेंड फ्यून किया हुआ टेस्ट को ये भी वैसा ही है वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं दे ठीक है लेकिन अब उन दोनों टेस्ट को कंपैरिजन करें तो आज का जो एपिसोड था वो बड़ा ही इक्वल बेसिस पे हुआ है कोई ये नहीं है कि टक्कर का मामला हाँ हाँ लेकिन ओवरऑल जो मेरे ख्याल से ना लिहाज के नंबर थोड़े से ज़्यादा है ओवरऑल विनर बता दें जैसे डोगर सजी खलीफा सजी में बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला था मुझे लग रहा है आप थे मुझे लग रहा है कि ये ना ये भी नेक टू नेक मुकाबला है नेक टू नेक है लेकिन वही बात आ गई कि वो 51 नंबर उसके हैं फ्लेवर की वजह से हाँ उसका फ्लेवर अच्छा था ये थोड़ा मीठा हो गया टमाटर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा इसमें मिठास आ गई है मसाले के हिसाब से वो थोड़ा बेहतर है इससे तो लिहाज जीत गया
आपने मुझे जफरी भी तो डाली थी पहले आज खाने के बाद। हाँ वो मसाले ही वैसे डाली थी ना, फ्लेवर उसका बड़ा कमाल का था, तो वही मसाला मुझे जिता गया आज। हाँ मसाला जिता गया। तो कितना हो गया स्कोर? 4-3। यस, तो 4-3 का मुकाबला हो गया। अगर इनके एपिसोड में भी मैं जीत जाता हूँ तो फिर 4-4 का मुकाबला हो जाएगा, फिर हम एक फाइनल कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, चलेंगे ऑस्ट्रेलिया जाके। ऑस्ट्रेलिया का फाइनल करेंगे, फाइनल देखेंगे, क्रिकेट की गल कर रहे हैं वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पाँच जो है एपिसोड वो साकिब भाई के चैनल पे भी एक एपिसोड आना है, मेरे चैनल पे इनका ये सफ़र ख़त्म हो गया, इनको मैंने उकाड़े भी उतार दिया, इनको कराया थोड़ा सी। अच्छा, पूरी सीरीज़ में मेरे साथ एक ट्रेजेडी बड़ी हुई है, वो जो खाई नहीं थी जेदी की लस्सी। अच्छा, जेदी की लस्सी की जो मलाई नहीं ना, इसका दुख मुझे रहेगा, और वो दुख तब तक रहेगा जब तक आप मुझे दोबारा उस गिलास में जा के लस्सी पिला नहीं देते मुफ्त। वाह वाह, तुम्हें तो मुफ्त मैं पैसे देने, मैंने पैसे देने पैसे। क्यों, उस दिन तो उसने नहीं लिए? उस दिन नहीं लिए ना, बस हर दफ़ा नहीं होता। अच्छा, बाद में इसका मुझे मैसेज आया, यार वो पैसे मांग रहा है 130 रुपये, मुझे ना लोड पे भेज दे, हद होती है वैसे। मैं सभा हुआ लोड पे भेज देना। तो आप हमें इस सीरीज़ का बताइएगा, साकिब मुबीन का चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके 1 लाख सब्सक्राइबर होने में इसकी हेल्प करें। वो हो गया, पैसा तो ही जाएगा इंशाल्लाह, जानी वीडियो। हाँ जी इंशाल्लाह, चलें जब भी हैं, अगर 1 लाख से बढ़ गए तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 1 लाख तक रखें इनको, ठीक है, और इंशाल्लाह जल्द आपको कुछ महीनों बाद दोबारा साकिब भाई से मुलाकात करवाऊँगा। और अभी ये इलाज के लिए UK जा रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिए। तो इस सीरीज़ का हमें फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुबीन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर फॉलो किया ऑलरेडी तो अनफॉलो कर दें।